तो कैसे हैं आप लोग? जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरे हाथ में एक बैट का कवर है, पैकेजिंग है। ये भी मैंने स्पोर्ट्स अंकल से ऑर्डर किया है। और जैसे कि होता ही है, मैंने ऑर्डर किया था ये 6 सितंबर को, और अब ये मुझे मिल चुका है। तो डिलीवरी तो स्पोर्ट्स अंकल की काफ़ी अच्छी होती है, जैसे आपको पता ही है। अब देखते हैं कि इसमें प्रोडक्ट कैसा निकलता है। ठीक है, आई होप प्रोडक्ट भी काफ़ी अच्छा ही निकलेगा। तो देखिए, ये ट्रेडिशनल SG का कवर जो वो मोस्टली बैटों में देते हैं, इसमें कोई ज़्यादा वो वेरिएशन नहीं लाते हैं, मोस्टली बैटों में यही होता है। और ये देखिए, ये है SG का ट्रिपल क्राउन एक्सट्रीम। इसके ग्रेन्स देखिए आप ज़रा, 7 ग्रेन्स, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ग्रेन्स हैं इसके अंदर। ये इसका प्रोफाइल, ये इसका साइड प्रोफाइल, ओके। और ये आपका बैग देख लीजिए, इस पर आप MRP देख सकते हैं इसका, ओके। तो ये जा रहा है आपका साइड प्रोफाइल। और जो वेट है इसका वो 1160 ग्राम है। मैंने वेट किया था इसको, तो ये 1160 ग्राम का है। ये देखिए प्रोफाइल इसका, स्लाइटली लो प्रोफाइल है। ये देखिए बैट की फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है। ठीक है, तो बैट का फिनिशिंग काफ़ी बढ़िया है। और जैसे कि आप जानते हैं, SG के बैट का जो वुड होता है वो अदर बैट्स के कंपैरिजन में सॉफ्ट होता है। SG के वुड में ये होता ही है। और जो टो है इसका, तो देखिए काफ़ी थिन है, वो काफ़ी पतला नज़र आ रहा है मुझे टो इसका। तो ये एक पतले टो का बैट है। देखिए आप टो देखिए जरा इसका कितना पतला है। प्रॉपर मेरे ख्याल में एक क्लासी बैट्समैन के लिए SG के बैट मैं बताऊँ का या प्रेफर करूँगा। हार्ड हिटिंग के लिए मुझे नहीं लगता ये बैट ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। हाँ, अगर आपको पेस बॉल पेस करने हैं तो आप इस बैट का यूज़ कर सकते हैं। पेस बॉलिंग के लिए है ये बैट, काफ़ी अच्छा हो सकता है पेस बॉल के लिए। बाकी इसका हम पिंग चेक करते हैं एक बार। ये रहा मेरे पास पिंक बॉल है। देखिए पिंग जो चेक होता है वो हर किसी का अलग अलग तरीका हो सकता है। शायद मुझे, मेरे को जब बैट पर लगता है तो मुझे फील आता है कि हाँ थोड़ा लग रहा है। अभी इसके लिए न्यू बैट है, नॉकिंग के बाद अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन न्यू बैट में भी थोड़ा सा ना एक फील आता है एक सॉफ्टनेस का जब बॉल हिट करता है उस एरिया पर सॉफ्ट पे, कि ये बैट अच्छा निकलने वाला है या नहीं। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है ग्रेन्स काफ़ी क्लियर है, पेस बहुत अच्छा है, और मुझे लग रहा है कि बैट जो है काफ़ी सही हो जाएगा जब मैं इसकी नॉकिंग करूँगा। मेरे ख्याल में विद इन ए वीक मैं इसको प्रॉपर नॉक कर दूँगा, और उसके बाद ये बैट काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा मुझे लग रहा है। क्योंकि जिस हिसाब से मैं इस बॉल को हिट कर पा रहा हूँ, मुझे एक सॉफ्टनेस जो होती है ये रियलाइज़ करनी पड़ती है, वो मुझे आ रही है इसके अंदर। ओके, नाइस। हाँ, इसके अंदर वो चीज़ है, ये बैट बनाया जा सकता है काफ़ी अच्छा, ये बैट काफ़ी अच्छा निकल सकता है। हमें इस पर थोड़ा सा काम करना होगा और प्रॉपर बैट ये काफ़ी अच्छा जाने वाला है। तो स्पोर्ट्स अंकल के लिए मैं दोबारा से कहूँगा कि वो मेरे को डिसअपॉइंट नहीं करते हैं। मैंने उनसे काफ़ी बैट एक्चुअली ऑर्डर किए हैं। आई थिंक मैं उनसे 8 to 9 बैट ऑर्डर कर चुका हूँ। मेरी शायद 10 बैट ऑर्डर कर चुका हूँ। और वो मेरे लिए स्पेशली मेरी उनसे फ़ोन से उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने मेरे को एश्योरेंस दिया कि सर बैट आपका स्पेशली क्लीन फेस के साथ हम भेज रहे हैं, तो आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी, और मैं होप करता हूँ कि स्पोर्ट्स अंकल आगे भी ऐसे ही हमें प्रोडक्ट डिलीवर करता रहेगा। और क्या कहते हैं, मुझे लगता है किसी न किसी को हर बार एक बार स्पोर्ट्स अंकल को चांस देना चाहिए इन टर्म्स ऑफ बैट। शायद अदर प्रोडक्ट्स का मैंने ऑर्डर नहीं किया इतना, मैंने हमेशा उनसे बैट ज़्यादा ऑर्डर किया, और अभी तक मैं डिसअपॉइंट नहीं हुआ हूँ किसी भी प्रोडक्ट को लेकर। रेट काफ़ी अच्छे हैं, डिस्काउंट मिलता है अच्छा,
और सबसे बढ़िया चीज़ इनकी डिलीवरी बहुत फास्ट है, तो आई होप करूँगा कि वो इसी तरीके से वर्क करते रहेंगे। और स्पोर्ट्स अंकल से भी रिक्वेस्ट है कि भाई वो ग्रे निकल्स का जो स्कूप बैट है, अगर वो हो सके तो मेरे लिए वो मंगवा दें, तो हो सकता है मैं उसको परचेज करना चाहूँगा, स्पोर्ट्स का ग्रे निकोलस का स्कूप बैट। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और बैट तो आप देख ही रहे हैं, फिनिशिंग काफ़ी अच्छा है, सब कुछ क्लीन है एकदम। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बैट की अनबॉक्सिंग के लिए, प्रोडक्ट से रिलेटेड जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो